सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सो स्वागतम दोस्तों। क्या आपके नाखून खराब हो गए, टूट रहे हैं, या नाखून का कलर चेंज हो रहा है, जैसे काला या पीला पड़ रहा है, और आपने कई तरह की अलग अलग क्रीम का प्रयोग कर लिया है लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए, क्योंकि आज के इस वीडियो में नाखून संबंधी इन सभी समस्याओं को ठीक करने वाली एक दवा के बारे में जानेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ नाखून को ठीक करने के लिए ही बनाई गई है। इस दवा का नाम है एम्ब्रोलफिन नेल लिक्विड। हम जानेंगे यह दवा क्या है, इसको किन किन प्रकार की नाखून की स्थिति में प्रयोग लिया जाता है, इसको लगाने का सही तरीका क्या है, इसे क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर हम खरीद सकते हैं, और भी इससे जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें, जिससे कि पूरी जानकारी आपको इस नेल लिक्विड के बारे में मिल सके। मैं हूँ आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। एम्ब्रोलफिन एक एक्टिव एंटीफंगल मेडिसिन है, जिसे मॉर्फोलिन एंटीफंगल दवा भी कहते हैं। यह दवा फंगस के प्रोटीन के बढ़ने को रोक देती है, इसके प्रोडक्शन को रोकती है, जिस कारण से फंगस की ग्रोथ रुक जाती है और फंगस मर जाता है। इसी कारण से एम्ब्रोलफिन को फंगिसाइडल तथा फंगिस्टेटिक मेडिसिन भी कहा जाता है। यह दवा क्रीम तथा नेल लिक्विड दोनों ही प्रिपरेशन में अवेलेबल है। एम्ब्रोलफिन क्रीम के लिए पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ, यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पर आई कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम एम्ब्रोलफिन नेल लिक्विड के बारे में जान रहे हैं। एम्ब्रोलफिन नेल लिक्विड 5% वेट बाई वॉल्यूम की स्ट्रेंथ में आपको मिल जाता है। यह एक ही स्ट्रेंथ इसकी अवेलेबल है, और इसको मेडिकल स्टोर पर खरीदने के लिए आपको ब्रांड नेम की आवश्यकता होती है। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम को भी जान लेते हैं, जैसे कि लोसिराइल नेल लिक्विड, एमरोल स्टार नेल लिक्विड या फंगीक्रॉस नेल लिक्विड। यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है, इनसे आपको मेडिकल स्टोर पर कहीं पर भी मिल जाएगा, और हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांड भी आपको मिल जाए, जो भी आपको आसानी से मिले, जो सस्ती मिले, सब खरीद सकते हैं, क्योंकि सबका कंपोजिशन एम्ब्रोलफिन ही होता है। यहाँ पे इस दवा की स्टोरेज कंडीशन को भी जान लेते हैं। इस दवा को ठंडी जगह पे, सूखी जगह पे रखना होता है, साथ ही बच्चों की पहुँच से इसे दूर रखें, और इसको जब भी यूज़ कर ले उसके बाद में टाइट बंद करके रखें, जिससे कि यह गिरे नहीं। अब इसकी यूज़ को जान लेते हैं, किन किन स्थितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि यह एंटी फंगल दवा है, तो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है, और नेल लिक्विड है इसलिए इसका प्रयोग मुख्य रूप से नाखून के संबंधी होने वाले जो फंगल इन्फेक्शन उनको ठीक करने के लिए जाता है। और जो नाखून के फंगल इन्फेक्शन है उनको हम ऑन्कोमाइकोसिस भी कहते हैं। जब व्यक्ति के नाखून में फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय नाखून के नीचे की जो स्किन है वहाँ पे फंगस की ग्रोथ हो जाती है, जिस कारण से उस नाखून का कलर तथा जो स्मेल है दोनों चेंज हो जाते हैं। इसके कलर में ब्लैक कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, साथ ही नाखून में दरारें आ सकती है, नाखून के कोने टूट सकते हैं, और इसके साथ ही जो नाखून के पास की चमड़ी है उसमें सूजन आ सकती है और रेडनेस हो सकती है। और यदि यह समस्या पाँव के नाखून में हुई है तो चलते समय तथा शूज पहनते समय दर्द होगा, और हाथ के नाखून में अगर हुई है तो किसी वजनदार चीज़ को उठाने में आपको दर्द हो सकता है। तो इस तरह की समस्याएं होती है जब नाखून का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और यह फंगल इन्फेक्शन होने पर यह एम्ब्रोलफिन नेल लिक्विड दिया जाता है। और एम्ब्रोलफिन नेल लिक्विड का एक ही यूज़ है कि इसे नाखून के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। अब इस नेल लिक्विड को किस तरह से लगाया जाता है उसे भी हम जान लेते हैं। इस नेल लिक्विड को लगाने से पहले आप अपने नाखून को अच्छी तरह से साफ कर लें, साथ ही पहले कोई नेल लिक्विड या नेल पेंट लगा हुआ है उसको अच्छी तरह से साफ कर लें, फिर नेल लिक्विड को एप्लीकेटर की सहायता से नाखून पर लगाएं। अगर थोड़ी सी जगह पे आपको फंगल इन्फेक्शन हो रखा है तो उस जगह को थोड़ा एक्स्ट्रा कवर कर लें, और ज़्यादा अगर हो रखा है तो पूरे नाखून पर लगाएं। लेकिन जब पूरे नाखून पर लगाते हैं, आप विशेष तौर से एक बात ध्यान रखें कि नाखून के पास की जो चमड़ी इसके ऊपर नहीं लगे, अगर इसके ऊपर लगती है तो आपको रेडनेस या इरीटेशन कर सकता है। इस दवा को लगाने के बाद 3 से 5 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह से सुखा लें, उसके बाद में जो आपने कंटेनर लिया उसको टाइट क्लोज करके बच्चों की पहुंच से दूर रख दें। तो इस तरह से इस नेल लिक्विड को लगाया जाता है। अब कितने दिनों तक और कितनी बार लगाना है, तो इसको हफ्ते में एक बार ही लगाने की सलाह दी जाती है। अगर एक बार लगाते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, और किसी को सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं, मतलब 3 दिन छोड़ के 1 दिन लगाएं, फिर वापस 3 दिन से लगाएं। तो हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार इसको अप्लाई किया जाता है। इसका प्रयोग 3 महीने से लगाकर 6 महीने किया जाता है। अगर 6 महीने तक इसका प्रयोग करते हैं तो 70 से 80% लोगों में इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अब इस नेल लिक्विड के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति को होते तो वो क्या क्या हो सकते हैं। सामान्यतः इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, फिर भी यदि किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट होते तो नाखून में दरारें हो सकती है, ब्रिटल हो सकते हैं, साथ ही नाखून के पास की जो स्किन है यहाँ पे रेडनेस होना, बर्निंग सेंसेशन होना,
दर्द होना, सूजन आना, इस तरह की समस्याएं हो सकती। यदि इस तरह की समस्या हो तो इस नेल लिक्विड को आप यूज़ करना बंद कर दें और फ्यूचर में इसका प्रयोग नहीं करें। साथ ही कोई महिला जो प्रेग्नेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो यह इस नेल लिक्विड का प्रयोग लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर से ले लें, जिससे किसी परेशानी का सामना उनको नहीं करना पड़े। तो यह जानकारी थी एमरोलफिन नेल लिक्विड के बारे में, जिसका प्रयोग नेल फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। यह बिल्कुल नई दवा की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जोर से बताएं, और भी अन्य किस दवा के बारे में हम जानकारी जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा। आप तो अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयर फॉर मेडिसिन यूजर्स।